हेलो फ्रेंड्स, मु झरणा आपण मानक स्वागत करुच्ची आम चैनल आर्जे अपलोडेड रे। आज मोर टॉपिक टी होची प्रेगनेंसी रो प्रथम मास। प्रेगनेंसी रो प्रथम मास रे आपण माने सब कौन करिबा उचित, कौन करिबा अनुचित, कौन खाइबा उचित, कौन खाइबा अनुचित, आउ ए मास रे आमर कौन कौन सब शरीर रे परिवर्तन घटी थाए, आमर पिलार गढ़ से ही समय रे केते मात्रा रे घटी थाए, कौन घटी थाए, ए सब विषय रे आज आम आलोचना करिबा। प्रेगनेंसी रो प्रथम मास रे किछि जण लोक जाने भी न थांती से माने प्रेग्नेंट थांती। प्रेगनेंसी रो प्रथम मास को आमर फर्स्ट ट्राइमिस्टर कहा जाए। प्रथम सप्ताह रु नेकरी चतुर्थ सप्ताह मध्य थाए ए मासटी को, ए जो प्रथम सप्ताह रु चतुर्थ सप्ताह को कहा जाए प्रेगनेंसी रो प्रथम मास, प्रथम ट्राइमिस्टर। प्रथम ट्राइमिस्टर टा आमर होचे प्रेगनेंसी रो प्रथम दिन रु 3 मास भितरे हेटा को कहा जाए प्रथम ट्राइमिस्टर, आउ 3 मास रु 6 मास पर्यंत हेटा को कहा जाए द्वितीय ट्राइमिस्टर, 6 मास रु 9 मास पर्यंत हेटा को कहा जाए तृतीय ट्राइमिस्टर। त आमर प्रथम ट्राइमिस्टर रे ही जेबा आमर प्रथम मास रो प्रेगनेंसी। तो आमर ये प्रथम मास रो प्रेगनेंसी रे किछि जण स्त्री लोक जाणी भी न थांती से माने प्रेग्नेंट थांती बोली, काहेकि ना एही मास रे ही आमे जाणी थाउ जे आमे प्रेग्नेंट हो अछु कि कौन, जेमिति कि किछटा लक्षण देखी सेथि मध्यरु होउछि आमर पीरियड मिस हबा, अंटा बिंधिबा, मुंड बिंधिबा, थकान महसूस हबा, ए सब लक्षण देखिले आमे डाउट करिथौ जे शायद आमे प्रेग्नेंट थाई पारु। तो एही मास रे न जाणी थिबारु लोक माने एको इग्नोर भी करंती, किंतु मो मतरे इग्नोर न करी आपण माने संदेह करछंती जे आपण प्रेग्नेंट थाई पारंती, ताहाले तुरंत डॉक्टर को देखा करी कि आपण माने आपण आपणक पई सजग हे परिबे। प्रथम मास रो ही खाद्य पेय उपरे ध्यान दे परिबे। आ एबे चलन त आमे आलोचना करिबा प्रथम मास रे हमको कोन कोन सब खाइबा उचित। प्रथम मास रे हमको जेते संतुलित आहार खाइबा उचित, जेमिति कि सबुज पनीपरिबा हो, अंडा हो, माछ हो, मांस हो, ये सब जिनस जो थे अधिक मात्रा रे मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये सब जिनस थिबो, ये सब मात्रा हमर थ्रो प्रेग्नेंसी हमको ये सब मात्रा खाद्य रे रहिबा दरकार, काहेकि ना एही सब जिनस रहिले एटा हम पिला पई भल आइथाय आउ माँ पाई मध्य भल होता है। एबे मु आपनको कहियाको जाउची एही मास रे आमे कोन कोन जिनस न खाइबा उचित। एही सब मास रे एही प्रथम मास रे प्रथम 3 मास भितरे किंबा जे पर्यंत आमर सेकंड ट्राइमिस्टर न सरिचि सेतिक मध्य भितरे आमे टोटली गरम, पेट गरम जातीय जिनस टोटली आमे खाइबा कथा नुह, जेमिति कि अमृतभंडा हो, खजूरी हो, अंगुरु हो, तेल मसला हो, फास्टफुड जिनस हो, ये सब जिनस आम आद ग्रहण करिया कथा नुह, कहीं सब मिसकैरेज हो जबार संभावना थाए। आउ एही समय रे आमर प्रथम मास रे आमर हल्का ब्लीडिंग होता है, तो एथिरे आपण भयभीत हबार कौन भी कारण ना, ये जेहेतु आमर शिशुटी गढ़ी उठू, तो यहाँ हल्का ब्लीडिंग हम जदि दरकार रु अधिक ब्लीडिंग होता है तेल आप डॉक्टर सहित देखा करिबा निहाती आवश्यक। एही मास रे प्रथम मास रे आमर शरीर रे भी बहुत किछि चेंजेस घटी थाए, जेमिति कि आमर ब्रेस्ट रो साइज बढ़ी जिबा, ब्रेस्ट दरज हबा, पेटर भी साइज हल्का मात्रा रे बढ़िबा, जोटा कि आपण मानक महसूस हम माने जो माने प्रेग्नेंट थे से मानक महसूस हम कि आपणकर किछि गोटे वजन लागुच कि गोटे किछि गोटे आपण को भारी भारी लागुच, अंटा ए भारी सकासे ए भारीपण सकासे आपणकर अंटा उपरे भी प्रेशर पड़ी पारे, आपणक अंटा पेन हो पारे, तो एथिरे भयभीत हबार कोनोसी भी कारण ना, काहेकि ना एटा होउछि प्रथम मासर लक्षण। आपण धीरे धीरे जेते बेले ए सब देकरी 9 मास पर्यंत गति करिवे सेते बेले एटा आपणक शरीर रे एकदम आक्वेंटेड हो जिवो, तो आपण आकु नै कि काहेकि ना आपणक हाथ को गोटे छुआटे आसीबो बोली आपण बहुत खुशी थिबे, तो एते सब जंत्रणा आपणक बिल्कुल भी महसूस हबनी, एटा गोटे अलगा टाइप रो खुशी आपणक दबो। तो ए सब सामान्य चेंजेस शरीर रे प्रथम मास रे देखा दे थाए। प्रेगनेंसी रो प्रथम मास रे आपण माने कोन करिवा उचित ए सब कथा विषय रे एबे आलोचना करिवा। प्रेगनेंसी रो प्रथम मास रे प्रेग्नेंट महिला मानंकु कोन करिवा उचित आउ कोन करिवा अनुचित ए विषय रे मु आपणंकु किछटा कहिबी।
प्रेग्नेंट रा प्रेग्नेंसी हबार प्रथम मास रे माने कोनासी भारी काम जेमिति कि कोनासी कुवरु पानी काडीबा जेमिति कि बहुत ओजनदार जिंस को टेकी कि एठो नै सेठी थोइबा ए सब काम आपण बिल्कुल भी करबा अनुचित आउ जेमिति कि आपण कोनासी दूर जगह को ट्रैवल करिबारे बहुत रु बहुत लुगापटा सफा करिबा कोनासी भी हेवी वर्क आपण प्रेग्नेंट रा प्रेग्नेंसी रा प्रथम मास रे अवॉइड करिबाटा ही उचित आपण जदि पारुछंती अधिक लुगापटा तले आपण वाशिंग मशीन यूज करंतु किंबा आउ जदि घरे के अछंती ए सब समय रे सेमानक हेल्प नबा को चेष्टा करंतु केबे भी निजे निज तरफ रु ए सब काम करंतु नी नहले आपणक घर को आसुथिबा खुशी अधारे ही रही जीव तेबे आपण जत्ते चेष्टा करिवे ए सब हेवी वर्क रु आपण दूरे ही रहिबे आ कोन सब करबा उचित आपण आपणक खाद्य जहाँ भी आपण सब विटामिन जातीय खाद्य आपण ग्रहण करुछंती खाउछंती सेगुड़ाक सब आपण एका मात्रा रे खाइदेबेनी सब गुड़ाकर पाट पाट करी खाइबे जेमती कि अधिक थर खाइबे अल्प अल्प खाइबे अधिक थर खाइबे जोड़ा कि प्रेग्नेंट महिला मानक पई भी भल हबो तांका शिशु पई भी भल हबो आउ प्रेग्नेंसी रा प्रेग्नेंट हेबा थिबा समय रे आपण गोटे जगह रे अधिक समय ठिया हेबेनी किंबा माने अधिक कठिन काम गोटे जगह रे ठिया ही जमा भी करिवेनी जेते ए समय रे अधिक बुलाचला करी काम करिवे अधिक माने वर्कआउट करिवे माने स्लाइट वर्क करिवे मॉर्निंग टाइम रे आउ इवनिंग टाइम रे स्लाइट वर्क करिवे सेटा आपनक पई बहुत भल हबो आपनक नॉर्मल डिलीवरी हबा पई आउ जेमति कि हल्का फुल्का एक्सरसाइज त ए सब टाइम रे करा जाय बाकी प्रथम मास रे एगुडा बिल्कुल करिबा मना हेथाय जदि आपन कोनोसी वर्कआउट भी करूछंती से सामान्य भी हेथाउ ना काई सामान्य योग प्राणायाम भी हेथाउ ना काई कि आपन प्रथम मास रे एटा अल्प मात्रा रे करिवे काई ना हेटा जहाँ भी हेले आपणकर शिशु एवं गढ़ी उठुची तो ताप प्रभाव पकई पारे जिते बेले आपण द्वितीय ट्राइमेस्टर रे पहुँचे सेते बेले योग प्राणायाम बहुत भल भाव करिवे आउ द्वितीय ट्राइमेस्टर रु ही आपण हल्का हल्का वर्कआउट करिबा आरंभ करिवे जेमती कि आपणक छुआ आपणकर छुआ पई जति कि वर्कआउट भल हबो सेटा देखिकरी आपण मु आपणक ए विषय रे नेक्स्ट वीडियो रे कहबि जे कोन कोन एक्सरसाइज सब करले आपणक छुआ पई भल हबो आउ सेतिकी एक्सरसाइज करिवे आउ दरकार अधिक ओवरलोडेड काम किछि भी आपण करिवेनि जदि आपणक घरे कोनोसी बड़ लोक हो कि आपणकर घरे जदि आउ कि अन्य स्त्री लोक अछन्ति ताले सेमानकु से काम सब कहि देबे आउ से समय रे कोनोसी लोक ए कथा को खराब भी भावन्तिनि कारण समस्ते चाहन्ति मा आउ शिशु दि जण जक भलरे रहन्तु पिलाटी भलरे भलरे दुनिया को आसु कोनोसी प्रॉब्लम न हो त आपण जमा भी संकोच करिवेनि ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସପିଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ହାଲକା କାମ କରିବେ ମୁଁ ଏକଥା ବିଲକୁଲ ବି କହୁନି ଯେ ଆପଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ହାଲକା ଫୁଲକା କାମ କରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ରହିବେନି ଆଉ ଏସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସହବାସ ବି କରିବା ଅନୁଚିତ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ଗଢ଼ି ଉଠୁଥାଏ ତ ଏସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସହବାସ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଇଭେନ୍ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାର ଆକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜି ଆକାରର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯାହାର ଓଜନ 1 ଗ୍ରାମ ହେଇଥାଏ ତା'ର ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧୀରେ 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 ଆକାର ନେଇଥାଏ ତ ଏସବୁ ସମୟରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଭାବିବେନି ଟ୍ରାଭେଲ୍କୁ ପୁରା ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି କେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟଟା ଆପଣ ଆଉ ଫେରିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍କୁ ପୁରା ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତ ନିଜର ଖୁସିକୁ ସେଇ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ତା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବେ, କାରଣ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟଟି ଥଣ୍ଡା ରହେ, ଆଉ ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ମୋଠୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଖୁସି ମନେ କରିବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।